दोस्तों आज हम आए हैं खंडी घाट दिखाने वाले हैं जो कांकेर जिला में है ना। जबरदस्त जगह है ये, देखिए पानी, यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो आपको और अच्छे से दिखाने वाला, यहाँ मंदिर है आगे, पहले यहाँ का जगह देख लिए, नज़ारा पीछे पहाड़ आसमान का नज़ारा बहुत ही अलग है। तो चलो और आपको आगे दिखाते हैं, तो आप थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, ये व्यू इतना अच्छा लग रहा है। ये खंडी घाट कांकेर जिला में आता है। अगर आप आए तो यहाँ मतलब बहुत अंदर है, भानु प्रतापपुर आए थे तो हम अंदर होते हुए आए। और यहाँ का व्यू जो देखिए, देखिए यहाँ रेती की कमी ही नहीं है। जो खंडी नदी होते हुए आता है, यह खंडी घाट वही है। तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए रोड का इतना आपको साउंड क्लियरली नहीं आएगा क्योंकि हम गाड़ी में थे। और रास्ता तो देखिए कितना, वो देखिए कौन दाई वाई वगैरह बैठे हुए हैं, गैया वैया यहाँ चर रहे हैं। तो चलो आगे की ओर चलते हैं। हम कोशिश करेंगे आज हम आपको वहाँ के बाबा बाबा से बात करके वहाँ का पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ ऐसा क्या चीज़ है देखने। वहाँ मोहिनी देवी आपने सुना ही होगा, वो आपको मोहिनी देवी और भी कुछ मंदिर हैं वहाँ सभी दिखाने, सोना दही जहाँ से सोना कलर का येलो कलर का पानी निकलता है वो सभी चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलो आपको आगे की ओर चलते हैं। जल्द से जल्द बहुत अंदर है, देखिए जंगल वंगल होते हुए जाना पड़ रहा है। अगर आप किसी जानकार आदमी को ही लेकर यहाँ आइएगा, अकेले कभी नहीं आना, यहाँ बहुत अंदर है ये। ये देखिए घाटी देख सकते हैं आप, आपको व्यू जो देखिए आसमान का कलर अलग ही नज़ारा था यहाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ आकर यहाँ। तो चलो ये देखते हैं अब आगे, लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। एक छोटा सा मंदिर है स्टार्टिंग में ही, तो वो हमारे जीजा साथ में जा रहे हैं इसलिए हमें बताए हैं वहीं कि यहाँ छोटा सा मंदिर सबसे पहले पड़ेगा, फिर पूरा जगह घुमाएंगे, वहाँ बाबा वगैरह गुफा वगैरह जो भी है सभी चीज़ दिखाने वाले। तो चलो ये देखिए मंदिर आ गई है, छोटा सा मंदिर जिसमें भोलेनाथ, जय महादेव, जय बजरंग बली की जय। तो चलो अब आगे चलते हैं इसके आगे। अब ये देखिए ये जो व्यू है, आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा सबसे पहली बात। ये देखिए व्यू यहाँ का, इसके बाद हम आगे इधर का भी दिखाएंगे आपको। पानी वगैरह जो था खंडी घाट मेन नज़ारा अभी बाकी है। तो ये देखिए स्वर्ण गंगा धारा हर हर खंडेश्वर महादेव खंडी घाट। अब यहाँ का जो व्यू है ये देखने लायक ही है। अब आगे चलते हैं इसके आगे, अब आपको पहाड़ ऊपर जाके मंदिर दिखाएंगे जहाँ बाबा वगैरह रहते हैं। ये सामने वाला मंदिर है नी, ये जो नज़ारा आपको इधर का देख लीजिए, ऊपर से भी दिखाएंगे मोहिनी देवी। जब ऊपर जाएंगे तब हम आपको नीचे का भी नज़ारा दिखाएंगे। ये है देखने लायक, ये जो देखिए। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जलपरिया मिलती थी, जलपरिया पहले, अभी भी आते हैं कि नहीं? अभी का पता नहीं, पहले मिलती थी जलपरिया, बहुत पहले की बात, ये समथिंग 10-12 साल पहले। दस बारह साल पहले। तो अब चलो यहाँ से, रेती की तो कमी ही नहीं है, यहाँ से आप रेती ले जा सकते हैं। पानी वगैरह आपने देखा, यहाँ रेती का थोड़ा बहुत भी कमी नहीं है और रेती इतना चिकना है। अब चलो ऊपर की ओर चलते हैं जहाँ बाबा वगैरह मोहिनी देवी जाने का मार्ग है, जहाँ छोटा सा गुफा भी है। रास्ता तो ना बना हुआ नहीं है, ये मंदिर तक बस बना हुआ है और यहाँ मंदिर में बेल्ट उतार कर जाना पड़ता है। पहले ये देखिए अब अंदर का देख लेते हैं पहले तो। जय प्रभु। यहाँ आपको देखते हैं कौन कौन से भगवान हैं, यहाँ महादेव वगैरह सभी हैं, सभी भगवान यहाँ लगभग हैं ही। अब इसके आगे हम ऊपर जाएंगे मोहिनी देवी, जहाँ छोटा सा नीचे उसके पहले है गुफा देखेंगे, फिर उसके बाद मोहिनी देवी दर्शन करने वाले हैं। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं, लगभग हमने यहाँ देख लिया, अब चलते हैं ऊपर गुफा की ओर। ये जो गुफा है देखिए, यहाँ से इनका कहानी आपको नीचे हम बाबा के द्वारा माध्यम से पता करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे मोहिनी देवी जाने का मार्ग, देखिए कुछ भी रास्ता बना हुआ नहीं है, पत्थर वत्थर बहुत देख के जाना पड़ रहा है, तो सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसके ऊपर है तो यहाँ से अब पहुँचने वाले हैं लगभग हम, ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन बच्चे वच्चे जाने का बहुत ही प्रॉब्लम है, डर है। यहाँ आप शाम से पहले ही घर लौट जाएँ, ऐसा जगह ये। अब ये देखिए लगभग हम ऊपर का पहुंच गए हैं, अब सामने है मोहिनी देवी माता का मंदिर, छोटा सा बना हुआ है, समझो माता रानी बैठी हुई है। ये देखिए मोहिनी देवी, जय माता रानी। आपके जो आप सही मतलब जो विश्वास, आप जो भी सोच के आओगे, गलत सोचोगे तो यहाँ पूरा नहीं होता और सही सोच के करोगे तो माता रानी पूर्ण करती है आपकी सभी मनोकामना, ऐसा नीचे बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है।
तो चलो अब आगे चलते हैं, यहाँ से हम ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा जो है, देखिए वो जो घाट बोल रहे थे ना, वो ऐसे ही घाट, आपने भेड़ा घाट सुना होगा वैसे। अब यहाँ से सुनिए। अच्छा, और बहुत अंदर तक है क्या गुफा? एकदम मिल गई है, ऐसे ऐसे थोड़ा पंजाब के मिला नहीं, ये निकल इधर हम निकल उधर हम, ये यही। तरिया ये में, अच्छा पहाड़ी के नीचे थक, मतलब हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ऊपर जाएगा अंदर फंस जाएंगे, लग जाएंगे। एक बार नींगे रही नहीं मान गामा भूख, हाँ वो मन कहाँ रहे पोतरी, तो वो आ रही नहीं यहाँ एक कांकेर ले राजा, हाँ ऐसा भी नाम सब गांव के मलकी ही, चलो मछली खवा के तो बुलता बुलता रही सब आई अब आई आप कौन खवाओगी मछली जी ही कौन खवाही उसे राजा साहब पानी भीतर की बात लग कैसे जान बोल के ही तो ये कर कौन है बुढ़ पाग बता तो ये कर अपना है थोड़ी दूर ही अब है वहाँ कोतरे में है दामा बूटे उमन कहीं ना पेट के ही दामा बूटे ओ माला गई इमराने ला लाने लो दिन राजा के बलावे तो हु मनाई की अंताने हैं राजा हकी कैसे जी दामा बुटुमा हम सब के लिए आहन भाई मछली खाबोन के अब हम मछली खिलाओ कहाँ राजा महाराज मछली खिलाओ से एकदम दर हके ला बाहर में होती तो खेत खुदी के धर के ना पानी के धर को नहीं नहीं धरा दे ही तेरे धर को नहीं अब माने एक ठर दोनी में दिया बारी अड़ी कड़ी वो दिया ला ऐसे बड़का धरी धरी सब फिर पानी अपन जो भी कहना है कि इन गंगा मैया ला यहाँ के कहीं देवता तालाब वो मन जान लो है ना कि देख हम आ था तुम ऐसे कर रहे हो एक अन पानी लाई से भंग जाए थी ना घुस ले नींद दोनों दोनों नींद तो वो मन बता रहा है कि हमार निकले बिना झोरली झंडी को झोरली छेद दी नहीं थी वो छेद दी हमार निकले बिना झोरली झंडी को उन गेन कम से कम भीतर में एक घंटा ले ज्यादा रही थी राजा घर गंदा जी अरे कहाँ गया जी मर गया जी ये लोग मर गए जाओ जी देखने के लिए जी का और वो मन मरीन थे मरीन साहब हम घर थोड़े मर बोल कहाँ गए इन कहाँ मनेंगे कई नाम भीतर दे जिनकी को ना कहा कैसे जान रंग बेर में मन निकली इनका निकली ना चलो झोरी जी को की अब दिया बढ़ते थे निकली तब ले हाथ में धरे थे अच्छा दिया बहुत जल ही रहा था हाँ अड़ी कड़ी के एक ठन मछली लना थीन भीतरीच में या फिर डोरी में ऐसे चासरा बना के लान के रा जल धरा दी चलो जी को पी कि तू यहाँ झोर ली है वो तीर में गे इस तरह ने तो नहीं जी का झोर ली भर गए झोर ली का मछली सफा भीतर के घर पर आ दे इन लगा निकल गए सब मछली बेर दे इन भीतर निंगल नहीं पाइन बाहर में सफर गए तो बाद में उल्टा ही आउ झोर ली उठा ही ना था मछली निंगल थी ये निकला थी तब फिर जी की तब ले चार पांच बोरा मछली सफली अच्छा उमा का मछली आया भी तो नहीं ही मच्छरदानी हो गए तो मछली भगावा थे नहीं कपाट लो खोल दे इन पूरा नहीं पूरी खोल दे इन गद बता दे हां पूरा मछली जाली में आ गई ते दिन वन शेर चीता यहां सो शेर चीता यहीं सोते थे हां यहीं सोते थे इतना मने झील था झील अभी तो मंदिर बने छे तो यहां चितवा बाबा पानी पी आओ वो मंदिर में गल पी अच्छा वो वाला मंदिर उस पार हाँ अरे मोहनी देवी का क्या मोहनी देवी के तो मोहनी देवी यहाँ से पहली वाली अच्छा प्राकृति है वो करते तो वहाँ सरजुक परिया के तो कुछ पता हो गया आपको यहाँ पर जी अच्छा अब उस यान ही हम्म राम है एक मोहनी की
जानकारी किसी के नहीं है। अच्छा, किसी को अच्छे से नहीं पता। का चीज़ है, का चीज़ नहीं, आज ले कर पता नहीं, ना आज ले को ही लोकर पता चले। अच्छा, तो गांव में तो एक दिन जो के रहा है दिया के माँ, ये हमारे परिवार के लड़की से पकड़ा हुआ किसी का, ले भाई बना। आप ही की किस्मत अच्छा हो जाए, तो ये सांस देते देंगे, जेकर बिगड़े रहते हो ला सांस देते। अच्छा, जेकर बिगड़े रहते हैं। हाँ, जो अपन फायदा के लिए करीब नहीं होए। अभी भी तो किस्मत हुई और तो दाई देख हुई तो बिल्कुल बंगला पान दिखा दी मानी। अच्छा, कब ले गए यहाँ के मंदिर है? ये मंदिर है, मंदिर बाबा जी है। ये मंदिर के ये बाबा जी है। अच्छा, ये हाँ, 6 में उद्घाटन हुई से, ये 6 में उद्घाटन हुई से और 9 में बनी से। अच्छा, है ना, 2006 में उद्घाटन हुआ है। हाँ, हमारा ज्यादा नहीं था। अभी ये हाँ 3 में हो है। अच्छी, 26 ये 2003 में हुआ है। 2003 ना का हमारा 26 साल होते का थी। 2003 के 3 के। अब ये जो देख रहे हैं ये खंडी घाट का नज़ारा है। ये गहरा है पानी, आपको लग रहा है नॉर्मली तो यहाँ गहरा है। आप कभी भी यहाँ तो गलती ना करें क्योंकि नीचे चट्टान वगैरह है। अब चलो हम बाबा के साथ जा रहे हैं, सामने आगे का जो मंदिर है उस पार चलते हैं। ये देखिए पानी, बाबा तो बहुत स्पीड से जा रहे हैं। रेती रेती बहुत ज़्यादा है, आपको जूता वगैरह पहने रहोगे तो पूरा गए ख़राब हो जाएगा आपका शूज़ वगैरह। अब आगे देखते हैं, ये जो घाट है बहुत बड़ा है घाट। अब आके यहाँ से मंदिर देखते हैं, जो मंदिर है ऊपर की ओर है मंदिर। यहाँ से हम आपको जो सोनादाई का जो पानी निकला हुआ है अब आपको हम लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। और जो सोनादाई मंदिर है वो घाट के पीछे साइड है, जो हम जा नहीं पाए थे। लगभग मतलब शाम होने को है ऐसा है, इसलिए हम जा नहीं पाएंगे वहाँ। ये देखिए ये जो पानी है कितना मस्त नज़ारा है। इसके बाद हम देख खाते हैं आपको सोनादाई का पानी वाला। जो ये देखिए जो पानी वहाँ से निकला है, ये सोनादाई पानी जो बोलते हैं, ये वही पानी है ऊपर से बहते हुए आ रहा है। ऊपर जो मंदिर है कहाँ से निकल रहा है हम वो भी मंदिर का दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये घाट देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए ये घाट का नज़ारा है। पानी वगैरह गिरते इस टाइम तो उस टाइम आप पार भी नहीं कर पाओगे, ऐसा रहता है। पानी लगभग सूख गया है इसलिए हम पार कर पा रहे थे। अब आपको यहाँ से हम ऊपर जो मंदिर है वो दिखाने वाले हैं। ऊपर जो सोनादाई मतलब सोनादाई तो उस पार, लेकिन जहाँ से पानी आ रहा है हमेशा पानी बहते रहता है वहाँ से। अब ये देखिए ये है, और ये देखिए जय बजरंगबली, यहीं से पानी आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर। हम दिखाते हैं थोड़ा, ये देखिए जो निकल रहा है ऊपर जो सूंड के माध्यम वही है।